this is Manoj Baghel, English language student and career coach. Welcome back to the next class. आज हमारी second class है और जैसा कि कल हमने पढ़ा था, सीखा था English में हमें किस तरह से बात करनी है. जैसा कि कल हमने कुछ structure के uses सीखे थे, जिसमें हमने commanding sentence सीखा था and deny sentence सीखा था and requesting sentence सीखा था. I hope कि आपने उसे अच्छे से practice किया होगा घर पे and उसके लिए जो important आपने verbs का use किया होगा, actions का use किया होगा. एंड जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले वो वीडियो एक बार जरूर देखें, जिससे कि आप स्टार्टिंग से सारी चीजें क्लियर रहेंगी. एंड अभी तक मेरे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. एंड जैसे कि मैं पर डे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पर डे एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो वो वीडियो आपको हेल्प करेगा, राइट. सो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास की. जैसे कि आज हमारा सेकंड क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एंड सेकंड क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्शंस की. हालांकि हमने फर्स्ट क्लास में भी एक्शन की बात किया, तो मैंने आपको बताया था कि एक्शंस मतलब वो सेंटेंसेस जिनमें काम होगा, राइट. तो हमने उसमें डायरेक्ट कमांडिंग सेंटेंस को सीखा था, लाइक कम हियर गो देयर, और डिनाई में डोंट और नेवर का यूज सीखा था, रिक्वेस्टिंग में हम प्लीज का यूज कर लेते हैं. तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ लेट. लेट का यूज हमें कहां करना होता है. लेट एक ऐसा वर्ड है जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, यूज करते हैं, जिसके लिए किसी भी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, राइट. किसी भी व्यक्ति के होने की जरूरत नहीं होती है, राइट. तो लेट को अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि लेट का जब भी यूज करूंगा तो हिंदी में अर्थ आएगा दो. अब दो कैसे, जैसे मैं मान लीजिए टीवी देख रहा हूँ, राइट, और मेरा भाई आता है और वो मुझे बोलता है कि चैनल बदल रहा है, कि मुझे दूसरा चैनल देखना है, राइट. जैसे मेरा भाई आता है और वो मुझे हाथ से रिमोट लेकर के चैनल चेंज कर देता है, तो मैं उसे क्या बोलता हूँ, अरे मुझे ये चैनल देखने दे, या मुझे ये चैनल देखने दो. इन द सेम मैनर मैं बैठा हुआ हूँ, कहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और एक व्यक्ति मुझसे बोलता है कि चलो चलो यहाँ से चले जाओ. या जैसे मैं न्यूज़पेपर बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त आता है और मुझसे न्यूज़पेपर छीनना शुरू करता है, तो मैं उसे बोलता हूँ दो मिनट मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दे, तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दे या मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दो. तो इस कंडीशन में हम देखें तो दो का सेंस आ रहा है, राइट. जब भी कोई व्यक्ति आपको अपोज करता है, जब भी कोई व्यक्ति आपको किसी काम को करने से रोकता है, जब भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं ऐसा मत करो, या उसे आप इंटरप्ट करता है, तो आप उसको अपोज करते हो. तो अपोज करने में हिंदी के गुणी बोलते हैं मुझे टीवी देखने दो, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दो, मुझे यहाँ जाने दो, मुझे खाने दो. इसमें हम यूज करते हैं लेट का, क्योंकि बात सिर्फ मेरी हो रही है. कोई व्यक्ति जब मुझे रोक रहा है, अपोज मुझे ही करना है और मुझे ही करना है, तो लेट के बाद क्योंकि मुझे यानी आई, तो लेट के साथ मैं क्या यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, आई. पर चूंकि हमारा रूल होता है कि हम सीधा लेट के बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाता है मी, तो हमें मी ही यूज करना है. या सीधा सीधा बोल सकते हैं कि लेट के बाद हमें मी यूज करना है अगर मैं अपोज करना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति मुझे इंटरप्ट कर रहा है, कोई व्यक्ति मुझे रोक रहा है किसी भी काम को करने से, राइट. तो चलिए जैसे मैं बात करता हूँ कि मुझे जाने दो, कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया है, तो मैं उनसे बोल रहा हूँ मुझे जाने दो, मैं उन्हें अपोज कर रहा हूँ, राइट. तो मुझे जाने दो के लिए हम लेट मी, तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो स्ट्रक्चर रहने वाला है लेट मी, उसके बाद एक्शन एंड देन अदर वर्ड्स, राइट. तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, लेट के बाद मी, लेट मी मेरे लिए जब मैं अपोज करूंगा, एंड एक्शन जो हम काम करने वाले हैं, और उसके बाद में अदर वर्ड्स. तो मैंने बोला लेट मी गो, यानी मुझे जाने दो. इन द सेम वे हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं. मान लीजिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, अपने मोबाइल में ये वीडियो देख रहा हूँ, इतने में मेरी सिस्टर आती है, वो मेरे मोबाइल मेरे फोन मेरे हाथ से फोन छीन लेती है, तो मैं बोलता हूँ मुझे वीडियो देखने दे. तो मुझे वीडियो देखने दे मतलब लेट मी वॉच वीडियो, या लेट मी लर्न इंग्लिश. तो चलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, जिसमें पहला सेंटेंस लेट मी की सीरीज में आता है, लेट मी लर्न इंग्लिश, हिंदी में अर्थ होगा मुझे इंग्लिश सीखने दो. लर्न को हम लोग जानते हैं सीखना, लेट मी लर्न इंग्लिश मतलब मुझे इंग्लिश सीखने दो. इसके बाद में आता है लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ कहने दो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, राइट. कुछ लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो उस केस में मुझे क्या बोला है, लेट मी से समथिंग, राइट. और इस सेंटेंस का यूज हम लोग जीडी में बहुत बार करते हैं, लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ कहने दो, राइट. अगला आता है लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो, राइट. कोई इंसिडेंट हो गया है और उस इंसिडेंट में मैं किसी व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे बात नहीं करने दे, तो मैंने बोला मुझे उससे बात तो करने दो, क्लियर तो करने दो, एक्चुअली क्या ना क्या चलता है,
तो लेट मी टॉक टू हिम, राइट? इन द सेम वे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. तो जीडी में अक्सर क्या होता है, जीडी में हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति बातचीत कर रहा है, ग्रुप में दो चार लोग खड़े हुए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं और आप अपनी बात कह रहे हो, इतने में कोई और दूसरा व्यक्ति बात की शुरुआत करते हो, आप उसे अपोज करते हो, रोकते हो, वो तो मुझे पहले कंप्लीट करने दो, तो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, राइट. अगला आता है लेट मी सिंग अ नंबर. तो वैसे सिंग अ सॉन्ग, हम लोगों ने सॉन्ग सुना है और बॉलीवुड के अंदर नंबर भी बोलते हैं हम लोग सॉन्ग को, तो लेट मी सिंग अ नंबर, मुझे एक गाना गाने दो. तो आपने देखा कि इस तरह से हमने लेट मी एक्शन का यूज करके हमने कुछ सेंटेंस को बोला, जब कोई व्यक्ति मुझे किसी भी काम को करने से रोक रहा है और मैं उसका अपोज कर रहा हूं तो लेट मी का यूज करेंगे. साथ में मैंने कुछ और आपको एक्शंस दिए हूं, इन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें गो टू मूवी है, डू माई वर्क है, स्पीक इंग्लिश है, रीड आउट न्यूज पेपर है एंड ऑर्डर पिज्जा है. तो जैसे कि रीड आउट न्यूज पेपर की बात करें तो रीड का मतलब तो होता है सीधा सीधा पढ़ना, रीड आउट होता है बोल बोल के पढ़ना. जब भी हम कभी बोल बोल के पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पेरेंट्स सुबह बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो बेटा, पढ़ के सुनाओ जरा, पढ़ के सुनाओ मतलब बोल बोल के पढ़ो, जिससे हमारे कानों तक आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीड आउट, रीड आउट इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट. चलिए तो आप इन पर सारा प्रैक्टिस कर लेंगे. अगली सीरीज में हम लोग बात करते हैं कि अभी तक कोई व्यक्ति अगर मुझे अपोज कर रहा है, मुझे मतलब लेट मी, अगर कोई व्यक्ति मेरी सिस्टर को, मेरी मदर को, यानी कोई भी जेंडर जो शी है, उन्हें अपोज कर रहा है या उन्हें इंटरप्ट कर रहा है, तो वो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं, यानी मेरे सामने मेरी सिस्टर है और मेरे फादर मेरे सिस्टर को कोई काम करने से रोक रहे हैं, राइट. तो मैं उन्हें बोलना चाहता हूं कि उसे जाने दो, राइट. यानी कि मैं किसके लिए बात करना चाहता हूं, सी जेंडर के लिए, वो मेरी मदर भी हो सकती है, मेरी सिस्टर भी हो सकती है, राइट. तो मैं क्या बोलूंगा, शी के लिए हर, तो लेट हर, राइट. तो जैसे मैं बात करने वाला हूं लेट हर, तो लेट हर प्रिपेयर कॉफी, मेरी सिस्टर गई किचन में, राइट, और मैंने मेरे भाई को बोला कि उसे किचन में कॉफी बनाने दो, तुम इधर ही रहो, है ना, तुम उसे डिस्टर्ब करोगे, तो लेट हर प्रिपेयर कॉफी. इन द सेम वे लेट हर ओपन द विंडो, गर्मी लग रही है, राइट, ओपन द विंडो यानी कि खिड़की को खोलने दो, तो लेट हर यानी कि मैं अपने भाई को बोलूं, क्योंकि मेरा भाई उसे इंटरप्ट कर रहा है, राइट, उसके लिए मैं बोल रहा हूं लेट हर. अगर वो बोलेगी अपने लिए तो वो क्या बोलेगी, लेट मी, राइट, क्योंकि वो उसके लिए बात हो जाएगी, ठीक है जी. अगला है पर लेट हर क्लीन यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स होता है बर्तन भाड़े. तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर फीमेल्स हमारे घरों में जो होती हैं वो बर्तनों को भी साफ करती हैं, साफ करने इंग्लिश में होंगे क्लीन और यूटेंसिल्स मतलब बर्तन भाड़े, तो लेट हर क्लीन यूटेंसिल्स. अगला सेंटेंस आता है वॉश, वॉश मतलब धुलना, राइट, धोना, तो वॉश क्लॉथ्स, तो लेट हर वॉश क्लॉथ्स. इन द सेम मैनर लेट हर ड्राई क्लॉथ्स, ड्राई मतलब सुखाना, राइट, तो कपड़े धोने के बाद हम क्या करते हैं, सुखाते हैं, तो लेट हर ड्राई क्लॉथ्स यानी उसे कपड़े सुखाने दो. ये तो रही बात किसकी, फीमेल की. अगर यहीं पे मेल है वो मेरा फ्रेंड हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है और भी कोई मेल जेंडर हो सकता है, राइट, तो उसको, उसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो जेंडर मेल को क्या बोलेंगे हम लोग, की लेट के बाद हिम हो जाएगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा लेट हिम एक्शन एंड अदर वर्ड्स, राइट. तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी किसी मेल कैटेगरी की बात करेंगे तो लेट हिम, राइट, और अगर वो खुद बात करेगा तो उसके लिए लेट मी हो जाएगा, ठीक है ना. तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं लेट हिम पे. अब मुझे बताना है कि मेरा भाई है, तो मेरे भाई है और मैं उसके लिए बोलना चाहता हूं कि उसे बाइक चलाने दो, वो बाइक सीख रहा है अभी. जब वो बाइक सीख रहा है, पापा कहते हैं नहीं 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 अभी इसे चलाने मत दो, ये गिरा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं उसे चलाने दो, तो लेट हिम राइड बाइक. आप हमेशा याद रखिए, जब भी किसी चीज पर हम सवार होते हैं, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे बाइक हो, चाहे बाइसिकल हो, चाहे रिक्शा हो, तो हम राइड लगाते हैं, जहां पे हम दोनों तरफ टांगी करके बैठते हैं, राइट, तो वो क्या हो गया, लेट हिम राइड बाइक. अब बात करते हैं ड्राइव, तो ड्राइव और राइड में कंफ्यूज मत होइएगा. ड्राइव होता है बैठ के चलाना, यानी कि लाइक कार चलाना, लाइक ऑटो चलाना है, वो हो जाएगा ड्राइव, तो लेट हिम ड्राइव कार, उसे कार चलाने दो. इन द सेम वे लेट हिम प्ले म्यूजिक, म्यूजिक को बजाना. आपने देखा होगा बजाने के लिए हम लोग प्ले का यूज करते हैं, जितने भी म्यूजिक प्लेयर आता है उसका प्ले का बटन रहता है, दैट मींस क्या है, लेट हिम प्ले म्यूजिक. अब वो स्लो हो सकता है, वो लाउड हो सकता है, डिपेंड करेगा आगे. अगला हम बात करते हैं लेट हिम शो द प्लान, शो मतलब दिखाना और प्लान मतलब एक अपॉर्चुनिटी, प्लान मतलब एक तरीका, प्लान मतलब एक विचार, राइट, तो लेट हिम शो द प्लान, उसे प्लान दिखाने दो, राइट. लेट हिम टेक फोटोज,
फोटो खींचना इंग्लिश में टेक फोटो, राइट, तो लेट हिम टेक फोटो, उसे फोटो खींचने दो, राइट, वो फोटोज खींच रहा है, अच्छे फोटो खींचता है, और मेरा भाई कह रहा है नहीं रहने दे तू रहने दे, अगर तुम भाई खींचने दो उसे, तो लेट हिम टेक फोटोज। तो यहाँ पे हमने किस किस की बात किया, सबसे पहले मैंने खुद की बात किया, खुद के लिए मैंने क्या बोला लेट मी, मेरी सिस्टर के लिए लेट हर, मेरे भाई के लिए लेट हिम। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, जब कई सारे लोग होंगे, जैसे मानिए कुछ बच्चे हैं, मेरी फैमिली के कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं वहां पे, राइट, वो खेल रहे हैं और मेरे फादर आते हैं बोलते हैं कि चलो चलो अपना स्कूल का काम करो ये करो, मैंने कहा कोई बात नहीं पापा उन्हें खेलने दो, तो उन्हें खेलने दो, उन्हें मतलब कई ज्यादा लोग हो गए, वो प्लुरल फॉर्म हो गया। जब ज्यादा लोगों के लिए हम बात करेंगे तो हमें क्या बात करनी है देम, तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा लेट प्लस देम प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड्स। तो लेट देम क्या बोलेंगे let them, तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं let them action, right? तो अबे हमें बात करनी है let them go to hell, अरे भाड़ में जाने दो यार उन्हें। एक बार हम जैसे अड़ोस पड़ोस में परेशान हो जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में हम देखते हैं तो कई बार परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं यार जाने दो मर रहा है तो मरने दो, let them go to hell, right? उन्हें भाड़ में जाने दो। अगला हम बात करते हैं, तो कुछ मेरे फ्रेंड है कई बार समझा दिया नहीं मानते, वो सिगरेट ही पीते रहते हैं, तो let them smoke, सिगरेट पीना धूम्रपान करना क्या होगा स्मोक होगा, तो लेट देम स्मोक। और अगर ड्रिंक करते हैं तो लेट देम ड्रिंक, है ना, अगर मूवी देखने जाते हैं मूवी देखते हैं तो लेट देम वॉच मूवी, अगर वो अपना लंच फिनिश करते हैं तो लेट देम फिनिश लंच, अगर कोई व्यक्ति उन्हें रोक रहा है किससे लंच करने से तो मैं उस व्यक्ति को बोला लेट देम फिनिश लंच, तब हम लोग बात करेंगे, राइट। तो थर्ड व्यक्ति के लिए जो कई ग्रुप में है यानी प्लुरल फॉर्म में है उनके लिए हम लोग ध्यान का यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से मैं बात कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं अपने लिए बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेरे भाई के लिए बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेरी सिस्टर के लिए बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों के लिए बात नहीं करना चाहता हूँ जो ज्यादा है, मैं बात करना चाहता हूँ किसके लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए, किसी भी ऐसे जानवर के लिए, किसी भी ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हैं हम लोग, तो उसका नाम लेके भी बात कर सकते हैं। मुझे बताना है जैसे एक बच्चा है, राइट, और बच्चा रो रहा है, बच्चा छोटा रो रहा बोल रहा है मुझे एक गाड़ी चाहिए, और वो गाड़ी कौन सी है BMW है, तो BMW गाड़ी चाहिए और उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, तो बच्चा कह रहा नहीं मुझे तो यही चाहिए, है ना। आपने अक्सर देखा होगा मेले में बच्चे चले जाते हैं, वो अननेसेसरी डिमांड करते हैं, पेरेंट्स उस डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो पापा साथ में होते हैं, मम्मी साथ में होते हैं, बोलते हैं सर रोने दो, तो बच्चे को रोने दो, बच्चे को रोने दो। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम बच्चे की बात कर रहे हैं, मेरी बात नहीं कर रहे, हिम की बात नहीं कर रहे, हर की बात नहीं कर रहे, बच्चे की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा लेट द चाइल्ड क्राई, राइट, क्या हो जाएगा लेट द चाइल्ड क्राई, बच्चे को हंसने दो लेट द चाइल्ड लाफ, बच्चे को खाने दो लेट द चाइल्ड ईट, राइट। तो इन द सेम मैनर हमने जो सेंटेंस लिखा है वो क्या है लेट द चाइल्ड क्राई फॉर मून, क्राई फॉर मून एक कहावत है जिसका मतलब होता है किसी भी ऐसी चीज के लिए परेशान होना, किसी भी ऐसी चीज के लिए परेशान होना जस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो, यानी जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल का मतलब है शायद जैसा पूरा ना किया जा सके, तो क्राई फॉर मून एक ऐसी चीज के लिए प्रयास करना, एक ऐसी चीज की लालसा रखना जो इम्पॉसिबल है, राइट। तो अगला हम बात करेंगे, अगर कोई लड़का है, राइट, वो अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा है, राइट, तो लेट द बॉय, क्या लेट द बॉय डिमांड, और जिस चीज के लिए भी कर रहा फॉर लगा के हम बात कर लेंगे लेट द बॉय डिमांड फॉर समथिंग व्हाटएवर, राइट। अगला हम बात करते हैं, तो लेट द गर्ल, अब लड़की है, राइट, पूजा कर रही है, अभी नौ दुर्गे कल खत्म हुए हैं, राइट, तो लेट द गर्ल वर्शिप, है ना, वर्शिप करना पूजा करना होता है, या हम ऑफर प्रेयर का भी यूज कर लेते हैं, तो लेट द गर्ल वर्शिप। अगला हम बात करते हैं किसी भी मैन के लिए, राइट, तो लेट द मैन रन फास्ट, अब आदमी तेज दौड़ रहा है, दूसरा आदमी जो उसके साथ दौड़ रहा है वो कह रहा है भैया स्लो दौड़े, मैं कह रहा दौड़ने दो यार उसे, लेट द मैन रन फास्ट, उसे तेज दौड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमने बात की थी मैन की, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए मेरा फ्रेंड है, राइट, उसका जो भी एक्स वाई जेड नेम हो सकता है, मैं जब नाम के लिए भी बात करूंगा तो लेट के बाद सीधा सीधा क्या लगाने वाला हूं, वो नाम लगाने वाला, तो लेट रोहित हेल्प अदर्स, रोहित को दूसरे लोगों की मदद करने दो, राइट। इन द सेम वे जैसे कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो बहुत सारे वॉलंटियर्स क्या कर रहे हैं,
लोगों की मदद कर रहे हैं, तो मैं पुलिस बोलती है इन लोगों को उनकी मदद करें लोग, लेट दीज वॉलेंटियर्स हेल्प अदर्स। तो यहाँ क्या हो गया, लेट के बाद हमने वॉलेंटियर्स रख दिया और एक्शन क्या है, हेल्प करना, तो हेल्प रख दिया एंड अदर्स। तो जो हमारा स्ट्रक्चर था वो क्या था, लेट के बाद में हमें वो वर्ड्स रखने हैं, वो डूअर्स रखने हैं जो काम करने वाले हैं, काम करने में वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, मैन हो सकता है, विमेन हो सकती है, ये है, या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है जिसका हम नाम लेके बात करें, ठीक है जी। तो लेट वो डूअर प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेट वाले सेंटेंसेस को सीखा। इसकी एक और कैटेगरी आती है, जब हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, जब हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, इसकी एक और कैटेगरी आती है, जब हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, जब सब लोग मिलकर काम करते हैं, तो उसमें अब हम सब लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी, और लेट के साथ हम लोग जानते हैं वी नहीं आता, उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, तो लेट अस क्या हो जाएगा, लेट अस। तो लेट अस के बाद में भी हमें एक्शन फर्स्ट लगाना है एंड देन अदर वर्ड्स लगाने हैं, तो लेट अस। तो हमारा जो नया स्ट्रक्चर निकल के आया वो क्या आया, लेट अस प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है ना। तो लेट अस की हम बात करनी है, इसको हिंदी में अर्थ आएगा आओ, सब लोग मिलके करते हैं, तो लेट्स, मैंने कहा पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है तो चलो यार डांस करते हैं, लेट्स डांस, है ना। तो लेट्स डांस का मतलब क्या है, आओ डांस करते हैं, राइट। तो जब भी हम सारे लोगों को एक साथ काम करना है, राइट, तो जैसे मुझे बताना है आजकल डीडी नेशनल पे रामायण आना शुरू हो गई है, राइट, सुबह रामायण आती है ना, तो फैमिली में जितने भी लोग हैं सब अलग अलग काम कर रहे हैं, तो सब लोग 9 बजते ही बोलते हैं चलो टीवी देखते हैं, चलो रामायण देखते हैं, लेट्स वॉच रामायण, रामायण के पहले हम लोग दाल लगा रहे हैं, तो लेट्स वॉच द रामायण, राइट। तो सब लोग जब मिलकर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट अस, यानी शॉर्ट में बोलेंगे तो लेट्स, चलिए मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो लेट्स गो ऑन पिकनिक, चलो यार पिकनिक पे चलते हैं, आओ सब लोग पिकनिक पे चलते हैं, तो सब लोग पिकनिक पे चलते हैं, लेट्स गो, राइट, तो लेट्स गो ऑन पिकनिक। नेक्स्ट है आज यार बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे अकेले तो जाएंगे नहीं, कई सारे लोग मिलके जा रहे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तो लेट्स गो, राइट, लेट्स गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, राइट। अगला है चलो यार मस्ती करते हैं, बहुत दिन हो गया मस्ती की लाइफ बड़ी बोरिंग बोरिंग सी जा रही है, लेट्स हैव फन, कुछ मस्ती करते हैं, राइट, तो हम लोग मस्ती करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। इन द सेम वे यार खाली बैठे हैं घर में, है ना, आजकल लूडो हम लोग मोबाइल में खेलते हैं, तो चलो बैट लगाते हैं, कौन जीतेगा, तू जीतेगा मैं जीतूंगा, तो लेट्स हैव बैट, है ना, तो लेट्स हैव बैट का मतलब है आओ शर्त लगाते हैं, तो तीन चार लोग हैं, तीन चार फ्रेंड्स हैं जो मिलके शर्त लगा रहे हैं, लेट्स हैव बैट। अगला हम बात करते हैं यार लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई, इन 21 दिनों में यार समझ में नहीं आ रहा टाइम कैसे कटेगा, है ना, इतने दिन में यार मजा नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं रहे, तो चलो यार कुछ नया ट्राई करते हैं, आज कुछ नया ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू टुडे, आज कुछ नया ट्राई करते हैं, एक वो ऐड आता है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो आज कुछ तूफानी करते हैं, लेट्स डू समथिंग थंडर, है ना, तो इसी तरह से क्या हो जाए, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू टुडे, राइट। तो इस तरह से हमने जाना लेट मी का यूज, लेट हिम का यूज, लेट हर का यूज, लेट देम का यूज, लेट अदर डूअर्स का यूज एंड लेट अस का यूज, राइट। तो आई होप कि आपने ये सारी चीजों को जाना, आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी, एंड मैंने कोशिश किया है इन सारे एग्जाम्पल्स में अलग अलग एक्शंस का यूज करना, जिससे कि आप मैक्सिमम एक्शंस को सीख पाए, एंड मैं आपको मैक्सिमम जो आम बोलचाल में बोले जाने वाले एक्शंस हैं, वर्ब हैं, उन्हें मैं आपको दे पाऊँ, राइट। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने आपको डे 1 बताया था, सबसे पहले वीडियो में बताया था ओवरव्यू जिसमें दिया था कि इंग्लिश इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि कुछ भी नहीं है, एक बच्चा जो स्कूल नहीं गया वो भी इंग्लिश बोल सकते हैं, एक रिक्शा वाला जो कभी स्कूल नहीं गया जिसे अपना नाम तक लिखना नहीं आता वो भी इंग्लिश बोल लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो जिस माहौल में हम रहेंगे, और इससे अच्छा माहौल हो ही नहीं सकता, आज हम सब लोग घर में हैं, ये वीडियो को घर के सब लोग मिलके बैठ के देखें, और देखने के बाद में आप इसे अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद में डे टू डे लाइफ में इसे बोलना शुरू कीजिए, आई होप कि आपको बहुत जल्दी इंग्लिश आ जाएगी, एंड छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही बड़ी चीज बनती है। तो मेरी उम्मीद, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो बेस्ट क्वालिटी दे पाऊँ जिससे आप आसानी से लैंग्वेज को सीख सकें, क्योंकि लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, राइट। जैसे अमिताभ बच्चन के एक डायलॉग भी है, I can talk English, I can walk English because English is very funny language. Funny language से मतलब है बहुत आसान है, आसानी से बोली जा सकती है, और आसान है तभी तो पूरे ग्लोब पे बोली जाती है,
अदरवाइज तो कोई और भी भाषा हो सकती थी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती, लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश है। दैट मींस इंग्लिश बहुत इजी है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड कुछ और एक्शंस मैंने यहाँ दिए हैं उन पर प्रैक्टिस कीजिए, और घर में आप जो भी चीजें देखते हैं उन्हें इंग्लिश में बना लीजिए, राइट। और इंग्लिश में ना बना पाए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, राइट। या फिर डिक्शनरी सबके मोबाइल में होती है, उसमें से देख सकते हैं कि इस वर्ड को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं कल हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक।